नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के साथ। आप लोग जुड़ चुके हैं, मेरा नाम शुभम सर। दोस्तों, इस लेक्चर का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो ये लेक्चर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम या JKS के लिए प्रिपेयर। दोस्तों, सिर्फ JKS ही नहीं, अगर कोई भी एस्पेरेंट जो है वो UPSC के लिए या किसी और स्टेट PCS के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये लेक्चर जो है उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है 2018 का JKS का पेपर जो है उसे डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी स्टैटिक पोर्शन में से यहाँ पे डिस्कस होंगी, तो किसी दूसरे एग्जाम के अंदर हमको वो हेल्प दे सकती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक स्टेट के एग्जाम से क्वेश्चन जो है वो किसी दूसरे स्टेट में कई कबार पूछा जाता है, तो यानी कि सभी के लिए, सिविल सर्विसेज के सभी एस्पिरेंट्स के लिए लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट से इस लेक्चर को जो है वो सभी लोग शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लेक्चर जो है ये पहुंच सके। दोस्तों, आप मेरे साथ में विभिन्न सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आप जो है ये इन लिंक्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम 2018 प्रीलिम्स का एनालिसिस हम यहां पे करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2018 में जो एग्जाम हुआ था, उस समय जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम का पैटर्न जो है वो चेंज हुआ। पहले आप जानते होंगे जो हमारा एग्जाम रहता था वो दूसरे पैटर्न पे था, जिसके अंदर ऑप्शनल का पेपर जो है वो प्रीलिम्स में भी रहता था, लेकिन 2018 में जो एग्जाम हुआ उसका जो पैटर्न था वो बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे, यानी कि जिस प्रकार से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग अपना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो प्रीलिम्स है वो कंडक्ट करवाता है, बिल्कुल उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्रीलिम्स जो है वो 2018 का हुआ। तो दोस्तों, इस वजह से ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, इसको हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमें चार कंसेप्ट देकर के जाता है। हम मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट्स को ये एडवाइस दी जाती है कि किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ें, खासकर सिविल सर्विसेज में, तो जरूर आप जो है वो देखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके के रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा सा गलती इसमें क्या करते हैं कि वो देखते हैं क्वेश्चन पढ़ा, उसमें जो एक राइट ऑप्शन है उसको याद कर लिया या समझ लिया कि अच्छा भैया ये राइट है। हमें उसको हर तरीके से देखना है कि भैया ये राइट तो है, लेकिन तीन ऑप्शन जो और है वो गलत क्यों है। दोस्तों, अगर हम तीन रॉन्ग ऑप्शंस को भी देखेंगे, दोस्तों वो तीन रॉन्ग ऑप्शंस जो है वो गलत इसलिए है क्योंकि वो इस क्वेश्चन के रेफरेंस में गलत है, अदरवाइज वो तीन ऑप्शंस किसी तीन अन्य क्वेश्चंस का जो है वो आंसर बन सकता है। यानी कि आसान भाषा में समझे तो भैया, एक क्वेश्चन से हम लोग जो है वो चार कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो भैया जी, एक पेपर अगर हम उसका विश्लेषण करते हैं, 100 क्वेश्चन उसमें रहते हैं, तो हम करीब करीब 250 से 350 कंसेप्ट जो है वो उससे सीख सकते हैं, हर एक करेक्ट ऑप्शन और हर तीन गलत ऑप्शंस को जो है वो एनालाइज करके। कुछ इसी तर्ज पर ये हमारा जो डिस्कशन है वो रहने वाला है। तो दोस्तों, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्ट वन इसका। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स ने जो है वो 2018 का क्वेश्चन पेपर जो है वो जरूर देखा होगा। अगर आप JKS की तैयारी कर रहे हैं तो भैया, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम का जो 2018 का पेपर है वो आपको आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो जरूर उसे डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, एक एक करके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट चनाब वैली सेटलमेंट डिवीजन ऑफ द सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड। दोस्तों, चनाब वैली सेटलमेंट डिवीजन के बारे में बात करता है पहला सवाल। इसमें पूछा गया था कि भैया बताइए, चनाब वैली सेटलमेंट डिवीजन में कौन कौन से इलाके जो है वो शामिल है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें जो है वो चनाब वैली सेटलमेंट को समझना होगा, यानी कि चनाब नदी जो है वो कहां से होकर के गुजरती है। तो दोस्तों, एक मैप के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वहां के जो कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज है उसमें शामिल है। दोस्तों, ये है हमारा लद्दाख का इलाका, पूरे जम्मू कश्मीर के मैप में अगर हम देखें, ये है वैली ऑफ कश्मीर, जिसे वादी कश्मीर भी कहा जाता है। यहां पर मौजूद है चनाब वैली, ये इलाका है जम्मू का, ये है पीर पंजाल का इलाका। दोस्तों, अलग अलग हिस्सों में विभाजित करके यहाँ पे दिखाया गया है आपको जम्मू कश्मीर का वो इलाका जहां पर सेटलमेंट्स, यानी कि जहां पे लोग रह रहे हैं। बाकी जो इलाका है आप जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऐसा है जहां पे ह्यूमन सेटलमेंट्स पूरे तरीके से नहीं है, क्योंकि वहां पर जो जलवायु है, जिसे हम क्लाइमेटिक कंडीशंस कहते हैं, वो काफी ज्यादा हॉस्टाइल हो जाती हैं, क्योंकि काफी ज्यादा सर्दी वाला इलाका जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर शामिल है। तो इस वजह से जो सेटलमेंट्स है वो इन्हीं इलाकों में है। अब देखिए, यहाँ पर
ध्यान से देखिएगा दोस्तों मैप को, ये जो इलाका है ये चनाब वैली करके जो इलाका है ये इस तरीके की शेप में। तो सवाल ये है कि भैया इस चनाब वैली के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो शामिल है। भैया इस चनाब वैली के एरिया को समझने के लिए हम जो है वो इस मैप पे नजर डालते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहां पर ये था पूरा का पूरा चनाब वैली का इलाका। इसके अंदर शामिल है किश्तवाड़, डोडा और रामबन। तो भैया जी तीन डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इस चनाब वैली के अंदर यहां पर इस इलाके में शामिल है। वो तीन डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? वो तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं किश्तवाड़, डोडा और रामबन। तो भैया किश्तवाड़, डोडा, रामबन ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये चनाब वैली के अंदर आते हैं। तो भैया ये है चनाब वैली सेटलमेंट डिवीजन। ये सवाल जो है वो पूछा गया था। तो भैया डोडा, किश्तवाड़ और रामबन, सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट था। किश्तवाड़, तीनों ऑप्शंस को जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। किश्तवाड़ तो सही है लेकिन अनंतनाग और कुलगाम जो है वो हमारे आते हैं कहाँ पर? वो कश्मीर वैली का हिस्सा है। ठीक है, सेकंड में चलते हैं रामबन, उधमपुर और डोडा। दोस्तों डोडा और रामबन तो सही है मगर उधमपुर जो है वो आकर के जम्मू इलाके में पड़ जाता है। ठीक है जी, किश्तवाड़, अनंतनाग और डोडा। तो भैया अगेन अनंतनाग मैंने आपको बताया ये कश्मीर घाटी में पड़ता है, कश्मीर वैली का पार्ट है। तो चनाब वैली सेटलमेंट जो है वो कहीं ना कहीं तीन डिस्ट्रिक्ट्स डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जो है उसके अंदर शामिल थे। तो दोस्तों ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो आई होप हमको अच्छे से समझ में आया होगा कि चनाब वैली सेटलमेंट कहाँ पर है। तो दोस्तों इस तरीके से भी हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी अगर थोड़ी सी जानकारी हमको हो जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स की तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। हम जानते हैं भैया अगर आपको मालूम है कि अनंतनाग और कुलगाम जो है ये कश्मीरी इलाके में आते हैं, अगर आपको ये मालूम है कि भैया अगर अनंतनाग और कुलगाम कश्मीर में आते हैं तो पहला ऑप्शन आप गलत कर सकते थे। दूसरा ऑप्शन में जब डोडा अगर आपको मालूम है कि ये जम्मू में आता है तो हमें समझ आ गया कि भैया जी बी ऑप्शन भी जो है वो गलत है। अनंतनाग अगेन हमने यहां भी देखा तो हमें मालूम था कि डी ऑप्शन भी गलत है। तो हम किसी इस तरह के क्वेश्चन को जो है अगर हम एग्जैक्ट नहीं भी जानते हो तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके हम इनका उत्तर जो है वो दे सकते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई एल्टीट्यूड कमर्शियल एयरपोर्ट। इनमें से कौन सा जो है वो हाई एल्टीट्यूड कमर्शियल एयरपोर्ट है? दोस्तों इसमें शामिल है कुशोक बाकलिया, शेखुल आलम, कारगिल और सोनम वांगचुक। दोस्तों कुशोक बाकलिया जो है इसे लेह एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ले एयरपोर्ट इसे कहते हैं। शेख उल आलम अगर आप जानते होंगे दोस्तों श्रीनगर एयरपोर्ट को शेख उल आलम एयरपोर्ट भी जो है वो कहते हैं। कारगिल एयरपोर्ट, दोस्तों कारगिल एयरपोर्ट जो है ये भी काफी हाई एल्टीट्यूड पे है मगर ये कमर्शियल एयरपोर्ट नहीं दोस्तों, ये मिलिट्री एयरपोर्ट के रूप में जो है वो यूज किया जाता है। वेयर इज सोनम वांगचुक? दोस्तों ये ऑप्शन तो आई होप अगर आपने थ्री इडियट्स देखी है तो ये बी ऑप्शन तो आप जो है उसको स्ट्रेट अवे गलत कर सकते हैं। दोस्तों सोनम वांगचुक एयरपोर्ट नहीं है बल्कि सोनम वांगचुक लद्दाख के वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर आमिर खान साहब की मूवी थ्री इडियट्स जो है वो आधारित। तो भैया हमें डिसाइड करना था ए, बी और सी। तो भैया जी अगर हमको मालूम है कि कारगिल जो है वो मिलिट्री एयरपोर्ट है तो लेह और श्रीनगर एयरपोर्ट, यानी कि लेह और श्रीनगर एयरपोर्ट में से, तो हम जाहिर सी बात है भैया हम जानते हैं कि लेह जो है वो ज्यादा एल्टीट्यूड पे स्थित है, ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ए था, कुशोक बाकुला रिनपोचे टर्मिनल या कुशोक बाकुला रिनपोचे एयरपोर्ट जो है वो लेह को कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम के अंदर दोबारा से ये सवाल जो है वो पूछा जा सकता है कि कुशोक बाकला रिनपोचे एयरपोर्ट इज इन विच यूनियन टेरिटरी या विच स्टेट में जो ये है कहां पर है। तो भैया याद रखना है कि लेह एयरपोर्ट जो है उसे कुशोक बाकुला रिनपोचे एयरपोर्ट के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो हाई एल्टीट्यूड एयरपोर्ट है, कमर्शियल एयरपोर्ट है लेह एयरपोर्ट। तो इसका आंसर जो है वो हमारा ए ऑप्शन जो है होने वाला। दोस्तों बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया कि डी ऑप्शन क्यों नहीं है, सी ऑप्शन क्यों नहीं है। कारगिल एयरपोर्ट तो मिलिट्री एयरपोर्ट है, कमर्शियल एयरपोर्ट की यहां बात हुई थी। दोस्तों शेख उल आलम, श्रीनगर एयरपोर्ट का जो नाम है वो शेख उल आलम है। तो दोस्तों क्योंकि एक मेजर एयरपोर्ट जो है जम्मू कश्मीर का, उस एयरपोर्ट का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे जीएस के लिए। तो दोस्तों हमें जानना है कि भैया शेख उल आलम एयरपोर्ट क्यों कहा जाता है श्रीनगर एयरपोर्ट। श्रीनगर एयरपोर्ट हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट्स ऑफ कश्मीर, शेख नूर उद्दीन नूरानी। कश्मीर के एक बहुत ही कुख्यात संत हुए हैं जिनका नाम था शेख नूर उद्दीन नूरानी। तो नूर उद्दीन नूरानी जिन्हें बहुत ही प्रसिद्धता के रूप में शेख उल आलम के नाम से जाना जाता है। He is also known by the honorary title आलम दारे कश्मीर। दोस्तों भैया दो या तीन क्वेश्चंस बन सकते हैं इस एक
टॉपिक में से शेख नूर उद्दीन नूरानी। तो भैया ये कौन थे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए शेख नूर उद्दीन नूरानी वॉज, चार ऑप्शन हो सकते हैं। मान लीजिए अ ग्रेट पोएट फ्रॉम कश्मीर, अ ग्रेट हिस्टोरियन फ्रॉम कश्मीर, अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम कश्मीर, या ग्रेट सेंट ऑफ कश्मीर। तो भैया अगर हमको नहीं मालूम है तो फिर इसमें हम गेस नहीं लगा पाएंगे कि भैया ये सेंट है, ये पोएट है, ये हिस्टोरियन है, ये पॉलिटिशियन है। लेकिन अगर हमको जानकारी है, और ये जानकारी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि भैया श्रीनगर एयरपोर्ट का नाम है शेख उल आलम, तो हमें मालूम होना चाहिए कि भैया शेख उल आलम उस एयरपोर्ट को क्यों कहा जाता है। तो कश्मीर के काफी प्रसिद्ध सेंट शेख नूरुद्दीन नूरानी के नाम पर, जिन्हें पॉपुलरली ही वॉज नोन एज शेख उल आलम, जो कि एयरपोर्ट को नाम दिया गया है शेख उल आलम। ही इज ऑल्सो नोन बाय द ऑनररी टाइटल आलम दारे कश्मीर। प्री के अंदर क्वेश्चन आ सकता है हु इज नोन एज आलम दारे कश्मीर, या फिर आलम दारे कश्मीर वॉज द टाइटल गिवन टू हुम, या इस तरीके से शेख उल आलम वॉज गिवन द टाइटल। तो चार ऑप्शन होंगे जिसमें एक ऑप्शन हो सकता है आलम दारे कश्मीर। तो भैया हमें याद रखना है एक कुख्यात संत, एक ग्रेट सेंट जो है वो कश्मीर से हुए, जिनका नाम था शेख नूरुद्दीन नूरानी। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज शेख उल आलम, एंड उन्हें आलम दारे कश्मीर का टाइटल जो है वो भी दिया गया था। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम जो 2018 में हुआ था, उसमें तीसरा सवाल जो था वो कहता था विच इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनमें से सर्द रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों आप जानते होंगे कि रेगिस्तान जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक हॉट डेजर्ट्स होते हैं जैसे कि थार डेजर्ट हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया, मगर कुछ डेजर्ट्स ऐसे होते हैं जो हाई अल्टीट्यूड्स पे होने के कारण बहुत ज्यादा सर्द जो है वो माने जाते हैं। तो ऐसे डेजर्ट्स जो हाई अल्टीट्यूड्स पर स्थित होते हैं उन्हें जो है वो कोल्ड डेजर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो भैया ये सवाल था कि सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन सा है। तो दोस्तों इस वजह से ये कोल्ड डेजर्ट्स जो हैं इनमें से हमने देखना था कि सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन सा है। दोस्तों एक बार हम नजर डाल लेते हैं इन सभी कोल्ड डेजर्ट्स के जो हैं वो एरियाज पर। सबसे पहले है भैया एटाकामा डेजर्ट, कहां पर है ये, कोस्ट ऑफ पेरू एंड चिली में। एटाकामा डेजर्ट जो है उसका एरिया कितना है दोस्तों, 1,40,000 किलोमीटर, यानी 1.4 किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 1,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है एटाकामा, ठीक है जी। तो भैया सेकंड है गोबी, गोबी डेजर्ट का जो एरिया है, गोबी डेजर्ट कहाँ है दोस्तों, गोबी डेजर्ट जो है वो चाइना और मंगोलिया, मंगोलिया जो है वो एशियाई देश है, चाहे चीन से आगे की तरफ जो है वो इलाका मंगोलिया का है। तो गोबी डेजर्ट जो है वो दो देशों में विभाजित है, कुछ हिस्सा उसका चाइना में है, कुछ हिस्सा जो है वो मंगोलिया में है। तो गोबी डेजर्ट का एरिया कितना है, 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर, यानी के 12 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है वो फैला हुआ है ये गोबी डेजर्ट। उसके बाद आता है एक और डेजर्ट टकलामाकन, दोस्तों टकलामाकन का एरिया कितना है, 16 लाख किलोमीटर, ये था 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये है 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है टकलामाकन। और फिर है तुर्किस्तान, तुर्किस्तान डेजर्ट जो है उसका एरिया है 5,59,000 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 5,59,000 वर्ग किलोमीटर में ये जो है वो फैला हुआ है। दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो भैया ये जो है ये 1,40,000 था, तो सबसे छोटा डेजर्ट हो गया यहाँ पे एटाकामा। एटाकामा से बड़ा डेजर्ट कौन सा हुआ, एटाकामा से बड़ा डेजर्ट हो गया हमारा तुर्किस्तान डेजर्ट जो है वो, क्योंकि वो 5,59,000 किलोमीटर है, उससे बड़ा डेजर्ट जो है वो हो गया हमारा गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट क्यों हो गया, क्योंकि भैया गोबी डेजर्ट जो है वो 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, और सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो हो गया टकलामाकन, जिससे के 16 लाख वर्ग किलोमीटर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये टकलामाकन डेजर्ट जो है वो है। तो भैया जी सबसे बड़ा डेजर्ट हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, विच इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये चारों के चारों ही कोल्ड डेजर्ट्स हैं जिसमें सबसे लार्जेस्ट, अभी मैंने आपको एरिया वाइज बताया। दोस्तों बहुत सारी जगह पर इसका आंसर जो है वो गोबी डेजर्ट बताया जाता है। दोस्तों मैं आपको आगे गोबी की और टकलामाकन की जो है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन मैप पे बताऊंगा। बहुत बार ये दोनों डेजर्ट जो है वो एक साथ में देखे जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे टकलामाकन ऑप्शन नहीं होता तो हमारा सही आंसर होता गोबी डेजर्ट, क्योंकि गोबी डेजर्ट का जो इलाका है वो टकलामाकन से मिला हुआ है। तो कई बार इस पूरे के पूरे को गोबी डेजर्ट माना जा सकता है, मगर इस क्वेश्चन में प्रॉपरली टकलामाकन जो है वो मेंशन किया गया है, इस वजह से यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि टकलामाकन। अभी मैंने आपको बताया कि 16 लाख वर्ग किलोमीटर में 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है एरिया इसका है, गोबी डेजर्ट का है 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है जी।
559,000 किलोमीटर का इलाका जो है वो तुर्किस्तान का है, और करीब 4 लाख वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है वो है एटकामा का। तो इस वजह से हमारा बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आप देख पाए ये मैप, अगर हम देखें तो भैया ये जो इलाका है ये चीन का है, यहाँ पर इसके आगे ये मंगोलिया है, ये हिमालयाज है, यहाँ कहीं पर जो है वो स्थित है इंडिया, तो इंडिया के आगे ये जो है ये तिब्बतीयन प्लेटू है, तिब्बत का पठार है, ये पूरा का पूरा जो है वो चीन का इलाका है। यहाँ पर ये गोबी डेजर्ट जो है वो स्थित है। दोस्तों तो मैं आपको भी बता रहा था कि गोबी और चकलामाकन जो है वो ऑलमोस्ट साथ में जुड़े हुए हैं। तो भैया ये देखिए ये जो है ये बाइफर्केशन है गोबी डेजर्ट की, यहां पर है टकलामाकन। मैं आपको फिर बता रहा हूं दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन दोनों को एक ही डेजर्ट जो है वो कंसीडर किया जाता है। अगर ऑप्शन में टकलामाकन नहीं दिया होता तो हमारा राइट आंसर होता गोबी, लेकिन क्योंकि यहां पे टकलामाकन जो है वो आउटराइटली मेंशनड है, तो भैया जी सही ऑप्शन जो है वो हमारा है। हमें याद रखना है कि भैया जी सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट जो है वो कहां पर है, सबसे ज्यादा बड़ा कोल्ड डेजर्ट जो है वो एशिया के अंदर चीन का टकलामाकन सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे बड़ा डेजर्ट या हॉट डेजर्ट कौन सा है हम जानते हैं, अफ्रीका का सहारा डेजर्ट जो है वो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो है वो है, और टकलामाकन जो है इट इज द कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द कंट्री एंड इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द कंट्री। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं हमको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। आगे चलते हैं चौथे सवाल की ओर। द फोर्थ क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन इंडिया। यहाँ पे टर्म आती है मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। दोस्तों ये मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या है, आई होप बहुत बार आपने ये नाम जो है वो सुना होगा। भाखड़ा नंगल मल्टीपर्पस, पेरियार मल्टीपर्पस, हीराकुड मल्टीपर्पस, दामोदर मल्टीपर्पस। पहले आज मैं आपको बताना चाहूंगा ये मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट का अर्थ क्या होगा। मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर बेसिकली डिजाइंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। इनिशियली डैम्स वर बिल्ट ओनली फॉर स्टोरिंग रेन वाटर एंड टू प्रिवेंट फ्लडिंग, नाउ इट हैज बिकम मल्टीपर्पज। दोस्तों पहले क्या होता था, पुराने समय में डैम्स जो है वो बनाए जाते थे किस लिए, सिर्फ और सिर्फ बाढ़ के पानी को रोकने के लिए। मान लीजिए ये जो है वो नदी कोई बहती हुई आ रही है, ठीक है, इस तरीके से नदी बह रही है, इसके आगे इस तरीके से डैम जो है वो बना दिया जाता था ताकि अगर कभी नदी का जल स्तर बढ़े तो इस पानी को यहां पर कंट्रोल किया जा सके, ताकि ये वाला आगे का जो इलाका है वहां पर फ्लड्स जो है वो ना आए। तो पुराने समय में डैम का जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता था फ्लड कंट्रोल का। लेकिन इवेंचुअली दोस्तों आज आप जानते हैं डैम से सबसे इंपॉर्टेंट काम हम क्या लेते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो भैया इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और फ्लड कंट्रोल, जब हम एक से ज्यादा कार्य उससे ले रहे हैं तो भैया वो बन जाता है क्या, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला प्रोजेक्ट जो था उसका नाम था दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो था वो हिंदुस्तान का सबसे पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो था, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो था वो। तो ये है दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है डी दामोदर। आई होप दोस्तों हमको अगर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में हम पता चला होगा, अगर हम नहीं जानते थे कि क्यों किसी को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन था द इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंड फॉर्म फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स इन द शेप ऑफ अ सॉसर प्लेट इज कॉल्ड एज। दोस्तों यहाँ पे इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, इस इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म का क्या मतलब होता है। दोस्तों वॉल्केनिक लैंडफॉर्म से मतलब होता है जब कोई वॉल्केनो ज्वालामुखी जो है वो फूटता है। ज्वालामुखी कैसे फूटता है दोस्तों, धरती के भीतर से जब भारी मात्रा में जलता हुआ लावा जो है वो निकलता है उसे कहते हैं वॉल्केनिक एक्सप्लोजन या ज्वालामुखी का फूटना। उस लावा से दोस्तों वो लावा जो है वो निकलता है, कुछ समय बाद वो लावा जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि अब नॉर्मल किसी एग्जांपल लेते हैं आग की, आपने आग जलाई, ऐसा तो है नहीं कि भैया आग वो सदैव जलती रहेगी, कुछ समय बाद वो आग जो है वो ठंडी हो जाएगी। उसी तरीके से लावा जो है धधकता हुआ लावा जो है वो धरती के अंदर से निकलता है, मगर कुछ समय बाद वो जो है वो सेटल डाउन हो जाता है, वो कूल डाउन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों कूल डाउन होकर के लावा जो है वो रॉक्स की शेप ले लेता है। आई होप आप जानते होंगे तीन टाइप्स की रॉक्स हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस रॉक्स। तो दोस्तों रॉक्स बनती हैं वॉल्केनो से, जो रॉक्स वॉल्केनो से बनती है वो कहलाती हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स में शामिल है हमारा बसाल्ट है, टफ है, वॉल्केनिक ब्रेशिया है, गैब्रियो है, ये सब जो रॉक्स हैं ये इग्नियस रॉक्स होती हैं। यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट में जो लावा निकलता है उसके ठंडा हो जाने पर ये रॉक्स जो है वो बनती है। तो दोस्तों इस तरीके के लैंड फॉर्म्स जो है वॉल्केनो से बनते हैं उन्हें कहा जाता है वॉल्केनिक लैंड।
अब दोस्तों ये वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो है दोस्तों, मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ कहीं से लावा जो है वो निकल रहा है, कुछ लावा जो है वो इस तरीके से ज्वालामुखी से जो है वो बाहर की ओर गिर गया, ठीक है जी। मान लीजिए लावा जो है वो बाहर की ओर गिर गया और ये यहां पर जब कूल डाउन हुआ, ठंडा हुआ, तो यहां पे इसने इस प्रकार से लैंडफॉर्म जो है वो बना दिए। इसे कहा जाता है क्या, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, यानी के ऐसे लैंडफॉर्म्स जो धरती के बाहर आकर के बनते हैं ज्वालामुखी विस्फोट से या लावा से, उन्हें कहा जाता है एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। मगर दोस्तों ये जो लावा, मान लीजिए इस पॉइंट से लावा जो है वो निकल रहा था, वो धरती के अंदर भी मूव करता है, ठीक है जी। धरती के अंदर जाकर के भी वो जो है वो सॉलिड कूल डाउन होकर के सॉलिड फॉर्म जो है वो ले लेता है। ज्वालामुखी का वो लावा जो धरती के अंदर ही जाकर के कुछ शेप बना रहा है, उसे कहा जाता है इंट्रूसिव। जो बाहर आ गया वो एक्सट्रूसिव है, जो अंदर ही रह गया वो हो गया इंट्रूसिव। तो भैया जी इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, आई होप हमें ये टर्म जो है वो समझ में आ गया होगा। तो ये टर्म जो है ये ज्योग्राफिकल टर्म है, आई होप आप सभी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आज आप जान लीजिए कि वॉल्केनो जो है उससे दो प्रकार के लैंडफॉर्म जो है बनते हैं। जो धरती के बाहर आकर के बनते हैं वो एक्सट्रूसिव होते हैं, वेरा जो धरती के अंदर ही बनते हैं वो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जो है वो कहलाते हैं। तो भैया इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं। तो उनमें कहा कि भैया एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, यानी कि धरती के अंदर एक लावा से ऐसा लैंडफॉर्म बनता है जो कि ठंडा हो जाने पर एक सॉसर प्लेट, दोस्तों सॉसर प्लेट जानते हैं क्या होती है, इस तरीके की होती है, जिस चाय का कप रखते हैं जिसके ऊपर, तो चाय का कप रखने के लिए इस तरीके से प्लेट होती है ना, देखी होगी आपने भैया घर पे मेहमान आते हैं तो इस तरीके से कप और सॉसर में प्लेट दी जा चाय जो है वो दी जाती है। तो इस तरीके की शेप जो है वो ले लेते हैं, एक प्लेट नुमा शेप जो है वो ले लेते हैं। कौन, लावा जब कूल डाउन हो जाता है तो इस तरीके की शेप जो है वो ले लेता है। कहां लेता है, उसने कहा इंट्रूसिव है, धरती के अंदर ही जो है वो शेप ले लेता है। तो बताइए भैया इसको क्या कहा जाता है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें जो है इस इमेज की जो है हेल्प लेनी थी। दोस्तों ये यहां पर मान लीजिए लावा का भारी मात्रा जो है वो मौजूद है, ये धरती के बाहर ये वॉल्केनो जो है ज्वालामुखी जो है वो मौजूद, इस तरीके से लावा जो है वो यहां से चलता हुआ ऊपर की ओर जाता, ठीक है जी। दोस्तों इंट्रूसिव वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी से धरती के अंदर अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म जो है वो बनते हैं, जिसमें शामिल है सिल्स, डाइक्स, लेकोलिथ, ये सारे के सारे लैंडफॉर्म जो है धरती के अंदर लावा से बनते हैं। अब ये सभी के सभी जो है वो ऑप्शंस में मौजूद है, लेकोलिथ, क्रेटर, सिल्स और डाइक्स। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भैया यहां पर हम सही आंसर तो देखेंगे, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि भैया जो तीन ऑप्शंस यहां पे सही नहीं है वो क्या होते हैं। तो दोस्तों एक एक करके पहले हम उनको समझेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो देखेंगे। सबसे पहले आता है लैकोलिथ, इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म वेन लावा कूल्स इन द शेप ऑफ सॉसर, यही तो भैया क्वेश्चन में पूछा था, यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा लैकोलिथ होगा। दोस्तों इस इमेज से देखते हैं, यहां से लावा जो है वो निकला ऊपर की ओर गया लेकिन धरती के बाहर नहीं निकला, यानी कि धरती के अंदर ही रहा, तो क्या है ये इंट्रूसिव है। और शेप कैसी दिख रही है दोस्तों, इस तरीके से सॉसर शेप नहीं दिख रही है, ठीक है। तो सॉसर शेप जो है वो बन जाती है, जिससे उसे कहा जाता है क्या, लैकोलिथ। एक बार फिर समझते हैं, अगर कभी एग्जाम के अंदर इस तरीके से सवाल आता है, लैकोलिथ क्या होता है, लावा जब पृथ्वी की सतह के अंदर कूल डाउन होकर के एक सॉसर शेप ले लेता है उसे लैकोलिथ कहा जाता है। सेकंड है क्रेटर, अ क्रेटर इज एन इनवर्टेड कोन शेप्ड वेंट थ्रू विच द मैग्मा फ्लोज आउट व्हेन द वॉल्केनो इज नॉट एक्टिव, द क्रेटर अपीयर्स एज अ बाउल शेप्ड डिप्रेशन। दोस्तों ये देखिए ध्यान से, अगर आप देखें तो यहां पर आपको वॉल्केनो का ऊपर का शेप कैसा दिख रहा है, इस तरीके का, धरती की सतह के ऊपर ज्वालामुखी पर्वत जो है वो इस तरीके का दिखता है, यहां से लावा जो है वो निकलता है। जब ये लावा नहीं निकल रहा होगा तो इस तरीके से वॉल्केनो जो है वो ऊपर एक बाउल का शेप जो है वो ले लेता है, इस तरीके से शेप जो है वो ले लेता है, इसे कहा जाता है क्या, क्रेटर। भैया क्रेटर जो है यहाँ पे मेंशन किया गया था, वो क्रेटर क्या है, इनवर्टेड कोन शेप वेंट, इस तरीके का होता है ज्वालामुखी का मुंह, ठीक है जी। यहाँ पे ये जो इनवर्टेड कोन की तरह मुंह जो है, मुहाना जो है ज्वालामुखी का, उसे कहा जाता है क्रेटर। दोस्तों सबसे पहली चीज, ये ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है, ये द
पृथ्वी की सतह के ऊपर है, यानी कि ये क्रेटर जो है इट इज नॉट एन इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। तो भैया अगर हमको इतना मालूम है तो ये ऑप्शन जो है हमारा वहीं के वहीं गलत हो जाता है। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म ही नहीं है क्रेटर, क्रेटर हमेशा ज्वालामुखी पर्वत का मुहाना होगा और ज्वालामुखी पर्वत जो है वो हमेशा धरती के ऊपर होगा। तो क्रेटर जो है ज्वालामुखी पर्वत का वो मुहाना जहां से लावा बाहर निकलता है वो क्रेटर कहलाता है, लेकिन क्रेटर जो है वो इंट्रूसिव नहीं बल्कि एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म है, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है। उसके बाद आते हैं दोस्तों दो और ऑप्शन, सिल्स। These are intrusive igneous rocks which are formed by the solidified lava near horizontal layers. दोस्तों क्या होता है? I hope आप जानते होंगे। इस तरीके से पतली पतली ये लावा जो है निकल करके गया, तो इस तरीके से ना ऐसे पतली पतली लेयर्स में ये सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, सॉलिडिफाई होकर मैंने आपको बताया कि जैसे ही लावा जो है वो सॉलिडिफाई कूल डाउन होकर के सॉलिड बनता है वो क्या बन जाता है दोस्तों, वो बन जाती है हमारी igneous rocks। ठीक है जी, तो सिल्स क्या होता है, लावा जो है वो पतली पतली लेयर्स में धरती के अंदर जो है वो आप देख रहे होंगे ये पतली पतली सी लेयर्स हमको दिख रही हैं, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लेयर्स जो है ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं सिल्स। ठीक है, सिल्स क्या है, हॉरिजॉन्टल थिन लेयर्स ऑफ लावा विच सॉलिडिफाई एज इग्नियस रॉक्स। तो लावा जो है दोस्तों सिल्स और लैकोलिथ ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, लेकिन लैकोलिथ और सिल्स में मेन डिफरेंस क्या है, सिल्स जो है वो बिल्कुल पतली पतली होती है, वेरेज लैकोलिथ जो है वो थोड़ा सा इस तरीके का जिसे हम सॉसर शेप्ड कहते हैं वो होता है। तो ये मेन डिफरेंस है, दोनों ही जो है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, सिल्स और लैकोलिथ। ठीक है जी, उसके बाद चौथा ऑप्शन में था डाइक्स। व्हेन द मैग्मा मूव्स अपवर्ड्स थ्रू द क्रैक्स एंड फिशर्स एंड सॉलिडिफाइज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू अर्थ सर्फेस दे आर नोन एज डाइक्स। उसको परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्रीज, यानी के वर्टिकल। इस तरीके से भैया लावा जो है वो हमने देखा मूव कर रहा था, मैग्मा जो है पृथ्वी की सतह के अंदर निकल रहा है तो वो मूव करने के लिए इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है जी, कुछ लावा जो है वो हॉरिजॉन्टली फैल गया, दो तरीके से वो हॉरिजॉन्टली फैला, अगर तो वो पतली सी लेयर में फैला तो वो कहलाया सिल, अगर वो सॉसर शेप्ड में फैला इस तरीके से तो वो कहलाया लैकोलिथ। लेकिन दोस्तों इसकी तो प्रोबेबिलिटी है कि कुछ लावा जो है वो रास्ते में वर्टिकली जाता ही सॉलिडिफाई कर जाए, जो लावा इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस वर्टिकल पोजीशन में सॉलिडिफाई कर जाता है वो लावा जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डाइक्स। ठीक है जी, आई होप दोस्तों हमको लैकोलिथ, क्रेटर, सिल्स और डाइक्स जो है वो समझ में आ गया होगा। यहां पर हमसे सवाल जो है वो पूछा गया था, क्या सवाल पूछा गया था भैया, सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा लैंडफॉर्म जो है वो सॉसर प्लेट की तरह है। तो भैया मैंने आपको बताया कि क्रेटर तो नहीं हो सकता क्योंकि क्रेटर जो है वो इंट्रूसिव ही नहीं है, वो तो धरती के बाहर जो है वो बनता है। सिल्स जो है, सिल्स मैंने आपको बताया पतली सी लेयर्स होती हैं, सॉसर शेप नहीं होती, बिल्कुल पतली पतली लेयर्स होती है, तो सिल्स भी नहीं होगा। डाइक्स जो है दोस्तों वो क्या है, वो वर्टिकल परपेंडिकुलर तरीके से जब लावा जो सॉलिडिफाई कर जाता है वो डाइक्स है, तो डाइक्स भी नहीं है। इसका आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन ए है, लैकोलिथ जो है वो इसका आंसर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के संबंध में काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के अंदर इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, और ये डाइक्स, सिल्स और लैकोलिथ वगैरह जो है वो हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। तो दोस्तों आई होप हमको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे छठे क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा कहता है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1909 प्रपोज्ड व्हाट। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जो है 1909 में आया था, इसने कुछ प्रपोजल्स जो है वो दिए थे, इनमें से बताइए, इलेक्शंस ऑफ इंडियंस टू वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड विलेज पंचायत्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। अब भैया हमको बताना था इसमें से क्या, कौन से प्रपोजल्स जो है वो यहाँ पर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ने दिए थे। दोस्तों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत के अंदर जब हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर ये सभी के सभी एक्ट्स जो है वो मेंशन है वहां पर। दोस्तों अगर आपने उसको पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट आया था जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। दोस्तों आपको याद होगा मॉन्टेग्यू जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो वाइस रॉय थे, ये दो पोजीशन जो है वो ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया के अंदर रूल करने के लिए बनाई थी। इलेक्शन टू इंडियंस टू वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड।
तो भैया जी पहला ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि ये मिंटो मॉर्ले नहीं बल्कि मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर्म रिफॉर्म्स के अंदर इलेक्शंस जो है वो भारतीयों का चुनाव जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधानसभा में जो है वो किया जाने लगा था। ये कब आया था? ये आया था भैया 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर्म रिफॉर्म, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी जो है वो कहा जाता है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो जाता है दोस्तों। उसके अलावा 1870 1870 में लॉर्ड मायोज रेजोल्यूशन आया था, विच वॉज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। दोस्तों याद रखिएगा, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म से काफी पहले, करीब करीब 40 वर्ष पहले 1870 में लॉर्ड मायो का एक रेजोल्यूशन आया था, जिन्होंने कहा था कि भैया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो होना चाहिए, या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो मिलनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है कि सेंट्रल बॉडी के पास सारी की सारी ताकत है, फिर इस डिसेंट्रलाइजेशन है कि सेंट्रल बॉडी के पास ताकत नहीं है, छोटे छोटे पैचेज में, छोटे छोटे यूनिट्स में जो है वो पावर जो है वो डिवाइड कर दी गई है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है? मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर सिर्फ स्टेट में चीफ मिनिस्टर ही होते, ना कोई एमएलए होते, या एमएलए अगर होते तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में या कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एमएलए ही होते, कोई सरपंच नहीं होते, कोई म्युनिसिपालिटी के चेयरमैन नहीं होते, तो क्या होता? सारी की सारी पावर जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में होती, सेंट्रलाइजेशन होता। लेकिन हर जगह पर, गाँव में पंचायत है, पंचायत में सरपंच है, शहरों में म्युनिसिपल कमेटी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्युनिसिपल काउंसिल है, तो छोटे छोटे यूनिट्स में पावर जो है वो विभाजित कर दी गई है, जिसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल लेवल पर जो है अब सेल्फ गवर्नमेंट के मेथड जो है वो डिवाइस किए गए थे। कब किए थे? लॉर्ड मायोज रेजोल्यूशन इन 1870 में। तो भैया ये जो है ये 1870 में आया था, पहला वाला जो है वो 1919 में आया था, यानी कि दोनों ही ऑप्शन यहां पर जो है वो गलत है। तो भैया जी सी का, इस सिक्स क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा होगा डी, नन ऑफ दी अबव। तो इन में से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। ये है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर्म रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसे कहा गया है, इन्होंने इंडियंस की जो इलेक्शन, इंडिया को अलाउ कर दिया था इंडियंस को कि आप इलेक्शन लड़के लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बन सकते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात जो है वो 1870 में लॉर्ड मायोज रेजोल्यूशन के साथ में करी गई थी। चलिए दोस्तों सातवें क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन वॉज ऑल्सो नोन एज। दोस्तों अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो आया, जिन जिन ने ये क्वेश्चन जो है वो सही अटेम्प्ट किया होगा, उनको इससे पिछला वाला क्वेश्चन जो है वो पक्का आता हो, या फिर जिनको सिक्स्थ क्वेश्चन आता होगा उनको सेवन्थ क्वेश्चन भी जो है वो पक्का आता होगा। दोस्तों क्या हुआ, एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1919, काफी सारे पॉइंट्स थे इसके अंदर। इन्होंने कहा कि भैया जी इंडियंस जो है उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है वो जगह मिलनी चाहिए, इलेक्शन उनका होना चाहिए, इंडियंस को अलाउ किया है लेजिस्लेटिव काउंसिल। साथ ही साथ दोस्तों इस एक्ट ने क्या किया था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डायआरकी, एग्जाम के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है डायआरकी इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो भैया डायआरकी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म के साथ। दोस्तों डायआरकी क्या होती है, हमने सुना होगा मोनार्की या मोनार्क। मोनार्क क्या होता है, कहीं का भी राजा हो उसे मोनार्क कहा जाता है। मोनो यानी के वन, तो एक व्यक्ति का सिंगल पर्सन रूल जो है वो मोनार्की है। और डायार्की क्या होगी, डायार्की होगी डबल रूल। अब ये डबल रूल क्या था दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर्म रिफॉर्म ने क्या किया था, इट हैड इंट्रोड्यूस्ड सिस्टम ऑफ डायार्की टू गवर्न द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। क्या हुआ दोस्तों, इस 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर्म रिफॉर्म ने क्या किया, जितने भी सब्जेक्ट थे उनको दो हिस्सों में बांट दिया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। क्यों? क्योंकि दो बॉडीज थी दोस्तों, ऑल इन ऑल कौन था हेड, कौन थे हेड, थे वाइसरॉय, ठीक है जी। वाइसरॉय को दो बॉडीज जो है वो दे दी गई, जैसे हम कहते हैं ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वैसे ही वाइसरॉय को दे दी गई दो, एक थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, और एक थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वाइस रॉय को जो है वो दो असिस्टिंग बॉडीज दे दी गई, एक कहलाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरी कहलाई लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कहा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को जो है वो जगह देनी चाहिए, इंडियंस का इलेक्शन जो है वो होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, जितने भी एक्ट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाती थी उन्हें कहा जाता था क्या,
रिजर्व्ड एक्ट्स, याद रखिएगा दोस्तों ये इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हम उसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो लॉज बनाती थी उन्हें रिजर्व्ड एक्ट्स कहा जाता था, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाती थी उन्हें कहा जाता था ट्रांसफर्ड। ठीक है जी, याद रखिएगा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर दोज व्हिच वर गवर्न्ड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड रिजर्व्ड एक्ट्स वर दोज व्हिच वर गवर्न्ड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है जी, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने क्या किया, डायार्की इंट्रोड्यूस कर दी, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल अब दो चीजें जो है वो रूल कर रही थी, दो काउंसिल जो है वो रूल कर रही थी, यानी कि डबल गवर्नमेंट डायार्की जो है वो इंट्रोड्यूस करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने। ठीक है जी, दोस्तों इस एक्ट के साथ में क्या हुआ, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्ड में या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं, इसके अंदर एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि डायार्की इंट्रोड्यूस होनी थी, दूसरा पॉइंट था जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी उसमें इंडियंस को एडमिशन दो, इंडियंस को उसमें इलेक्ट करके जो है वो शामिल करो, एक पॉइंट इसके अंदर था कि भैया इस एक्ट के बनने के 10 साल के बाद आफ्टर द 10 ईयर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक कमीशन जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। वो कमीशन क्या करेगा, वो देखेगा कि भैया जो डायार्की इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया के अंदर वो डायार्की किस तरीके से काम कर रही है, क्या वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो भैया 10 साल कब होने थे 1919 के, 1929 में, लेकिन 1929 से अपने शेड्यूल्ड टाइम से 2 साल पहले 1927 में एक कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया, उसको कहा गया कि भैया कमीशन जाओ और जाकर के देखो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो कितने हद तक जो है वो इंडिया की शासन में जो है वो सफल हुए हैं, यानी कि अपने शेड्यूल टाइम से 2 साल पहले ही ये कमीशन जो है वो आ गया था। इस कमीशन को नाम दिया गया था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इन मार्च 1920 द एक्ट हैड अ प्रोविजन दैट कमीशन वुड बी अपॉइंटेड आफ्टर 10 इयर्स टू इन्वेस्टिगेट द प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नेंस स्कीम्स एंड सजेस्टेड न्यू स्टेप्स फॉर रिफॉर्म्स। यानी कि इस एक्ट ने बोला कि भैया 10 साल बाद एक कमीशन जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, जो कमीशन क्या करेगा, आकर के देखेगा कि भैया जी क्या प्रोग्रेस जो है वो हुई है और किस तरीके से जो रिफॉर्म्स 1919 में लाए गए थे वो काम कर रहे हैं। तो 1929 में बनना था, लेकिन इन मार्च 1927 हिज मेजेस्टी गवर्नमेंट अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू अपॉइंट इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 2 ईयर्स एडवांस ऑफ द प्रेस्क्राइब डेट। यानी कि 1919 के एक्ट को रिव्यू करने के लिए 8 साल बाद 1927 में एक कमीशन जो है वो बना दिया गया, जिसको नाम दिया गया इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे और इसके चेयरमैन का नाम था सर जॉन साइमन। इस वजह से इसको नाम दिया गया था क्या, साइमन कमीशन। तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जो है उसको यहां पर क्या होगा सही ऑप्शन, आई होप अब आप सब लोग बता पाएंगे। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन इज ऑल्सो नोन एज साइमन कमीशन। कब आया था, 1927 में। क्यों आया था, क्योंकि 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था उसको 10 साल के बाद में रिव्यू करना था, लेकिन हम 8 साल में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन जो है अपॉइंट कर दिया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। दोस्तों आपको याद होगा या आपने कभी पढ़ा होगा, साइमन कमीशन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो हिंदुस्तान में हुए थे। साइमन कमीशन को हिंदुस्तानियों ने बहुत ज्यादा अपोज किया था, उसका क्या रीजन था दोस्तों, इस कमीशन के सारे 7 मेंबर्स प्लस चेयरमैन ऑल ओवर ब्रिटिशर्स, उन्होंने कहा कि भैया जी इस कमीशन के सारे मेंबर्स जो है वो अंग्रेज हैं। तो इंडियंस का कहना था भैया हमारे ऊपर रूल हो रहा है, देखने के लिए कि भैया क्या शासन जो है वो सही ढंग से हो रहा है, तुम ब्रिटिशर्स को ले आए, अगर तुम जानना चाहते कि ये शासन सही हो रहा है या नहीं तो भैया तुम इंडियंस को शामिल करो, इंडियंस तुम्हें जो है वो बताएंगे कि जो रूल है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन सभी के सभी मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, इस वजह से पूरे ही हिंदुस्तान में साइमन कमीशन को काफी ज्यादा अपोज जो है वो किया गया था। दोस्तों साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए लाला लाजपत राय जो है वो शहीद हो गए थे, पुलिस के लाठी चार्ज के कारण उनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी। लाला लाजपत राय जिनकी मौत का बदला लेने के लिए बाद में राजगुरु देव और भगत सिंह ने जो कदम उठाया था वो आप जानते हैं। तो भैया लाला लाजपत राय जो है उनको किस वजह से पुलिस लाठी चार्ज में उनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि वो साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। साइमन कमीशन के अगेंस्ट क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि साइमन कमीशन के सारे मेंबर्स जो है वो ब्रिटिशर्स थे, इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं।
दोस्तों इवन दो क्वेश्चन की डिमांड इतनी इन्फॉर्मेशन की नहीं थी, लेकिन भैया हमको आने वाले एग्जाम पर फोकस करना है, क्योंकि ये साइमन कमीशन, अभी ये सवाल मुझे नहीं लगता या किसी को भी नहीं लगता होगा कि इस बार रिपीट होगा, लेकिन साइमन कमीशन हो गया, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन होगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, इनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल जो है वो शायद एग्जाम में आ जाए। आई होप हमको सेवंथ क्वेश्चन और उसके साथ अलाइड इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आठवां क्वेश्चन कहता है, सर्व शिक्षा अभियान अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट मेक्स प्रोविजंस फॉर बिल्डिंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट प्रोवाइड्स पीरियोडिक ट्रेनिंग टू टीचर्स एंड रिसोर्स सपोर्ट, इट हेल्प्स टू मेंटेन एप्रोप्रिएट प्यूपल टीचर रेशियो एट सेकेंडरी एजुकेशन लेवल। दोस्तों अगर आप मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दोस्तों ये करंट अफेयर्स में हमने एक स्कीम के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है जी। दो स्कीम्स जम्मू जो है हिंदुस्तान के अंदर चल रही थी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो ये सारी की सारी स्कीम्स जो हैं ये शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो कुछ गुणवत्ता के में सुधार लाने के लिए, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बीइंग इंपार्टेड इन द स्कूल्स ऑफ कंट्री जो है, ये स्कीम्स लॉन्च की गई थी, सर्व शिक्षा अभियान हो गई चाहे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो गया। दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में ये सवाल जो है वो पूछा गया, क्या ये सवाल था, ये सवाल कहता था कि भैया बताइए इन ऑप्शंस में से सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या क्या था। दोस्तों जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करना है तो पहला प्रोविजन बिल्कुल सही था, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर करना था, भैया शिक्षा हम तभी दे पाएंगे अगर हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज होंगे, अच्छी बिल्डिंग होगी, स्कूल के अंदर लैब्स होंगी, बैठने की जगह होगी, टीचिंग एड्स अच्छे होंगे, यानी कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको देने की बात जो है यहाँ पर करी गई थी, बिल्कुल भैया सही बात है। इट प्रोवाइडेड पीरियोडिक ट्रेनिंग टू टीचर्स एंड रिसोर्स सपोर्ट, शिक्षकों को निरंतर जो है इसके अंदर प्रशिक्षण जो है प्रोवाइड किया जाता था, द टीचर्स अंडर सर्व शिक्षा अभियान वर रेगुलरली ट्रेंड। उसको क्यों ट्रेन किया जाता था, भैया शिक्षक अगर ट्रेंड होगा तभी वो अच्छी शिक्षा जो है वो दे पाएगा, शिक्षा का स्तर जो है वो तभी बेहतर हो पाएगा। तो पहले दो ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन कहता है इट हेल्प्स टू मेंटेन एप्रोप्रिएट प्यूपल टीचर रेशियो एट सेकेंडरी लेवल। दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आउटराइटली पीपल टीचर रेशियो, प्यूपल टीचर रेशियो यानी कि स्टूडेंट टीचर रेशियो भी जिसे कहा जाता है, कि एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ाएगा, आपने सुना होगा 1:20 का रेशियो है, कोई कहता है हमारा जो प्यूपल टीचर रेशियो है वो 1:15 का है, यानी कि एक टीचर जो है वो 20 बच्चों को पढ़ा रहा है या एक टीचर जो है वो 15 बच्चों को पढ़ा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर कहीं भी पीपल टीचर रेशियो की बात जो है वो नहीं कही गई थी, इवन दो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर टीचरों की नियुक्ति जो है वो की गई थी कि जिन स्कूल्स में टीचर नहीं है वहां पे उनको अपॉइंट जो है वो किया जाना चाहिए। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पर है ऑप्शन बी, 1 और 2, फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन, यानी कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना और टीचर्स को ट्रेनिंग देना जो है वो सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के अंदर सम्मिलित था। ये था हमारा 8th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नाइन, तो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन इंडिया इज, दोस्तों याद रहे ये पेपर जो है 2018 में हुआ था, उसके हिसाब से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, कौन लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इकोनॉमिक सर्वे 2018 के इकोनॉमिक सर्वे में जो है ये मेंशन किया गया था। तो 2018 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर जो था वो रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन था, फर्स्ट जो था वो एग्रीकल्चर माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्टिविटीज था। तो भैया इसका ऑप्शन जो है ये बहुत ही ज्यादा, जिसे हम कहते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसीलिए आपको दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे बजट जो है उसे पढ़ने को कहा जाता है, पूरा इकोनॉमिक सर्वे या पूरा बजट नहीं लेकिन उसकी हाइलाइट्स जो है वो आपको जरूर जो है देखनी होती है, इस तरीके के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। 9th क्वेश्चन के बाद चलते हैं 10वें सवाल पर, विच प्लैनेट एक्सपीरियंसेस अ डे ऑलमोस्ट ऑफ सेम ड्यूरेशन एज दैट ऑफ अर्थ, कौन सा ग्रह ऐसा है जहां पर दिन की अवधि जो है वो पृथ्वी जितनी ही रहती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमें देखना होगा कि भैया जी क्या अवधि रहती है विभिन्न ग्रहों पर वहां पे दिन या दिन के समय की। तो दोस्तों सबसे पहले है मर्क्यूरी, 1408 घंटे लगते हैं एक दिन में, वहां पे डे का लेंथ जो है 1408 है। वीनस के अंदर 5832 आवर्स है एक दिन में, पृथ्वी के अंदर 24 हैं, मार्स के अंदर 25 आवर्स हैं, जुपिटर के अंदर जो है वो एक दिन में 10 घंटे हैं, सैटर्न में 11 घंटे हैं, यूरेनस में 16 घंटे हैं, नेपच्यून में जो है 16 घंटे और यूरेनस में 17 घंटे हैं। यानी कि पृथ्वी से मिलता जुलता किसका अवधि है, दिन में कितने आवर्स जो है किस प्लेनेट के पृथ्वी से मिलते हैं, तो भैया किसके मिलते हैं देख पा रहे हैं हम, मार्स के। क्वेश्चन था कि किस ग्रह का जो
दिन की अवधि है या ड्यूरेशन है वो पृथ्वी से मिलता जुलता है, तो भैया अर्थ का जो है वो 24 आवर्स का है और मार्स का जो है वो 25 आवर्स का है, यानी कि यहाँ पर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आई होप 10वां क्वेश्चन भी हमें क्लियर हो गया। जरूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि मार्स जो है 25 घंटे लगते हैं उसको एक दिन की अवधि में। 11वें सवाल पर चलते हैं। द रीजन लाइन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड। दोस्तों आपने उनसे पढ़ा होगा, माफ कीजिएगा थोड़ी सी अर्थ मेरी जो है वो खराब बनी है, वैसे अर्थ जो है वो पूरी तरीके से स्फेरिकल भी नहीं है। ये है हमारी भूमध्य रेखा जिसे इक्वेटर कहते हैं, थोड़ा सा ऊपर चल करके आता है क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, साउथ की तरफ आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, फिर आता है 66.5 डिग्री नॉर्थ पर आर्कटिक सर्कल और 66.5 डिग्री साउथ पर एंटार्कटिक सर्कल, ठीक है जी, और 90 डिग्री पे आता है नॉर्थ पोल और तरीके से 90 डिग्री साउथ पे आता है साउथ पोल। भैया जी ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सवाल है कि इस इलाके को, इस रीजन को किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन है, टॉरिड जोन, हॉर्स लैटिट्यूड या सब ट्रॉपिकल जोन। तो भैया जी इस क्वेश्चन का, सवाल का जवाब देखने के लिए हम पहले सही आंसर जो है वो तो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको कहा कि भैया अगर हॉर्स लैटिट्यूड नहीं है आंसर तो क्यों नहीं है, या हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहा जाता है, सब ट्रॉपिकल अगर आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है, सब ट्रॉपिकल किसे कहा जाता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों आपके सामने दो इमेजेस है, पहले इस इमेज पर आते हैं, ये जो मैंने आपको बना करके दिखाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, बीच का जो इलाका है उसे कहा जाता है टॉरिड जोन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो टॉरिड जोन है। दूसरा ऑप्शन था सब ट्रॉपिकल रीजन। दोस्तों सब ट्रॉपिकल रीजन क्या है, ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड द रीजन बियॉन्ड बोथ द ट्रॉपिक्स इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आगे और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आगे जो इलाका है उसे कहा जाता है क्या, सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है जी। तो टॉरिड जोन क्या होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है वो हमें समझ में आया। दोस्तों ये सेकंड इमेज पे चलते हैं, अर्थ का 3 सेल मॉडल, हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, आई होप इसके बारे में आप जानते होंगे क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट ज्योग्राफी की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इस टॉपिक को माना जाता है, 3 सेल मॉडल से कहा जाता है। यहां पर कहीं जो हमारा इलाका है पैरल सेल और हेडली सेल के बीच में, इसे कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड। दोस्तों मैं ये मान करके चल रहा हूं, ज़ूम करके चल रहा हूं कि आपको ये 3 सेल मॉडल जो है इसके बारे में जानकारी है। दोस्तों अगर आपको 3 सेल मॉडल के बारे में जानकारी नहीं है तो आप जरूर जो है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको ये 3 सेल मॉडल जो है एक्सप्लेन करें। लेकिन ज्योग्राफी में ये 3 सेल मॉडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सेल बनते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, हॉर्स लैटिट्यूड्स, ये सारी की सारी टर्म्स, ईस्टरलीज, वेस्टरलीज, ट्रेड विंड्स, ये सारी की सारी चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। दोस्तों हेनरी सेल, हेडले सेल और फेरल सेल के बीच में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के जस्ट बियॉन्ड वाला जो इलाका है वो हमारा हॉर्स लैटिट्यूड जो है वो कहलाता है, ठीक है जी। थोड़ा सा, एक छोटा सा स्ट्रेच है फेरल सेल और हेडली सेल के बीच में, थोड़ा सा पतला सा एक स्ट्रेच जो है वो हॉर्स लैटिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये है हमारा तीसरा ऑप्शन, आई होप हमको समझ में आया होगा कि भैया टॉरिड जोन क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन क्या है और हॉर्स लैटिट्यूड क्या है। तो भैया जी सवाल पूछा गया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में कौन सा इलाका आता है। भैया जी आई होप हम सभी इसका आंसर जो है वो अब सही से दे देंगे, इसका आंसर जो है वो टॉरिड जोन है, सब ट्रॉपिकल जोन भी या सब ट्रॉपिकल रीजन भी हमने देखा और हॉर्स लैटिट्यूड भी हमने देख लिया। तो 11th क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा ये है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 12वें सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ सी लेवल राइज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों इसका मैं 4 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि भैया बाइकार्बोनेट जो है वो बढ़ जाएगा वेल वाटर इन कोस्टल एरियाज, तो तटीय इलाकों में जो कुएं का पानी है उसमें बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन कहता है इंक्रीज इन सोडियम कंटेंट ऑफ वेल वाटर इन कोस्टल एरियाज। तीसरा कहता है इंक्रीज इन पोटेशियम कंटेंट और चौथा कहता है इंक्रीज इन नाइट्रेट कंटेंट। दोस्तों आप जानते हैं सी लेवल राइज, समुद्र का पानी बढ़ने, समुद्र का पानी कैसा रहता है, नमकीन खारा पानी होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है। अगर वाटर लेवल समुद्र के अंदर राइज करेगा तो उस वजह से पानी जो है वो ग्राउंड वाटर के साथ में समुद्र का जो है वो कहीं ना कहीं
मिक्स हो सकता है, जिस कारण से कोस्टल एरियाज जो तटीय इलाके हैं वहां पर जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर सोडियम कंटेंट जो है वो बढ़ सकता है। समझ रहे हैं आप, समुद्र का पानी बढ़ेगा, समुद्र के पानी के बढ़ने से समुद्र के अंदर जो है वो सोडियम क्लोराइड रहता है, पानी के बढ़ने से वो पानी जो है समुद्र का पानी आसपास के तटीय इलाकों में अंडरग्राउंड वाटर के साथ में मिक्स हो सकता है। जैसे ही अंडरग्राउंड वाटर के साथ में मिक्स होगा जो सोडियम है सी वाटर से वो अंडरग्राउंड वाटर में चला जाएगा, और अंडरग्राउंड वाटर जो कि ज्यादातर कुएं से निकलता है, भैया कुएं के पानी में सोडियम कंटेंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है वो बी है, देयर विल बी इंक्रीज इन द सोडियम कंटेंट ऑफ वेल वाटर इन कोस्टल एरियाज। भैया ऐसा नहीं है कि अरेबियन सी का जल स्तर बढ़ा तो पानी जो है वो दिल्ली का खारा हो गया, ऐसा नहीं होगा भैया कोस्टल एरियाज में, क्योंकि अरेबियन सी डायरेक्ट जो है वो कोस्टल एरियाज से टच करता है, तो वहां पे ग्राउंड वाटर के साथ में मिक्स जो है वो हो सकता है। आई होप 12वां क्वेश्चन हमें समझ में आया है। 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हिमालयाज द परमानेंट वेजिटेशन इज नॉट जनरली फाउंड अबव द एल्टीट्यूड ऑफ। दोस्तों इसके लिए जो है एग्जैक्ट आंसर अगर हम देखें तो भैया जी द हाईएस्ट नोन ट्री स्पीशीज इन हिमालयाज इज जुनिपेरस तिब्बतिका लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 4900 मीटर। 4900 मीटर की ऊंचाई पर मैक्सिमम हाइट पर जो है वो हाईएस्ट नोन ट्री स्पीशीज है। इससे ऊपर हिमालय के अंदर कोई भी ट्री पेड़ पौधे की जो है वो स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हाईएस्ट पॉइंट जो है वो ऐसे देखा जाए तो 4900 मीटर है, इसका नाम है जुनिपेरस तिब्बतिका। एग्जाम के हिसाब से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है विच इज द हाईएस्ट नोन ट्री स्पीशीज इन हिमालयाज। तो जुनिपेरस तिब्बतिका साउथ ईस्टर्न तिब्बत में ये जो है वो पाया जाता है। तो हाईएस्ट पॉइंट जो है वो 4900 मीटर्स का है, मगर ऑप्शन में जो है वो 4900 मीटर्स नहीं है, तो हाईएस्ट पॉइंट जो है वो 4600 मीटर्स है। तो यहाँ पे हम जो ऑप्शन है उसको सी ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट मान करके चलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑप्शन जो है 4900 होता तो फिर हम 4900 को क्लिक टिक करते, क्योंकि हमें एक ऐसी स्पीशीज मालूम है हिमालय के अंदर जिसका नाम है जुनिपेरस तिब्बतिका, जो कि 4900 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित है हिमालयस के अंदर। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो हो गया। इसके बाद चलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ पॉइंट। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस टाइप की पॉइजनिंग से, मर्करी नाइट्रेट कैडमियम मिथेन। एक चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये चार ऑप्शंस हैं, यानी कि एक चीज तो क्लियर थी कि इन चारों से कोई ना कोई बीमारी जो है वो जरूर होती होगी, तभी ये चारों जो है वो ऑप्शन के अंदर मौजूद है। इस क्वेश्चन के आंसर से पहले हम देखेंगे भैया इन चारों में से किसकी पॉइजनिंग से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, क्योंकि इस बार अगर ब्लू बेबी सिंड्रोम पूछा है तो अगली बार भी ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है कोई दूसरी बीमारी का नाम ले लें। तो यहां पर जिस वजह से वो बीमारी होती हो वो कंपोनेंट मेंशन्ड हो लेकिन हमने उसकी बात ही नहीं करी हो, तो अगली बार हमें ये तो पता था कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि दूसरी बीमारी चाहे वो इताई हो या कोई और बीमारी हो वो किससे होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज इन्फेंट मीथोमोग्लोबिनीमिया इज अ कंडीशन वेयर बेबीज स्किन टर्न्स ब्लू। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लू बेबी सिंड्रोम इज वाटर कंटेमिनेटेड विद नाइट्रेट्स। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम से पता चल रहा है बच्चा नीला हो जाता है, तो बच्चे की जो स्किन है वो नीले रंग में बदल जाती है अगर पॉइजनिंग हो जाए उसको नाइट्रेट की, जिस पानी का सेवन उस बच्चे को खाने पिलाने में किया जा रहा है अगर उसके अंदर नाइट्रेट्स की मात्रा ज्यादा है तो उसको होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी नाइट्रेट एक्सेसिव नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। मर्करी मीनामाता डिजीज, मीनामाता डिजीज समटाइम रेफर्स टू चीजो मीनामाता डिजीज इज अ न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम कॉज्ड बाय मर्करी। मर्करी पॉइजनिंग से, मर्करी के इस्तेमाल से, मर्करी के इंटेक से मीनामाता डिजीज जो है वो होती है। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, मर्करी से मीनामाता। कैडमियम से होती है इताई इज अ डिजीज कॉज्ड बाय कैडमियम एक्सपोजर। एंड मिथेन गैस इंटॉक्सिकेशन कॉजेज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और एस्फिक्सिया। यानी के मर्करी से मीनामाता, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडमियम से इताई और मिथेन से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एफॉक्सिया जिसे कहा जाता है। तो भैया जी यहाँ पर ये चारों के चारों जो है वो किसी ना किसी बीमारी के कारण बनते हैं। मीनामाता जो है वो मर्करी से होती है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, कैडमियम से इताई होता है और मिथेन से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एफॉक्सिया जो है वो होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो बी होगा, 14 का आंसर जो है वो बी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं अगर एग्जाम के अंदर कोई भी सवाल इस तरीके से दोबारा आता है, किसी दूसरी डिजीज का नाम हो या फिर इनमें से किसी एक पॉइजनिंग एजेंट का नाम हो, तो आप बता पाएंगे कि इससे कौन सी बीमारी जो है वो किसी को हो सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे 15th क्वेश्चन के ऊपर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द एल्टीट्यूड्स इन द एटमॉस्फेयर वुड हैव ओजोन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन।
दोस्तों हम जानते हैं ओजोन जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन जो है अगर लेयर्स में पूछा जाए तो याद रखिएगा मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में, जानते होंगे आप ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की मात्रा जो है वो सबसे ज्यादा है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल पूछा जाता है द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन विच लेयर, तो याद रखना है स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। लेकिन यहां पर हमको लेयर नहीं पूछी गई, एल्टीट्यूड पूछा गया है। तो दोस्तों एल्टीट्यूड के लिए एक मैप मैं आपको, एक ग्राफ जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, ये यहां पर एल्टीट्यूड्स है और ये है कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। पृथ्वी की सतह पर बिल्कुल जो है वो जीरो डिग्री का कंसंट्रेशन रहता है, करीब करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ट्रोपोस्फेयर में जो है बिल्कुल भी ओजोन की मात्रा नहीं होती है। धीरे धीरे स्ट्रेटोस्फेयर में जाते ही ओजोन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और एकदम से जीरो से बढ़ते 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 जो है ये काफी अपने मैक्सिमम पॉइंट तक जो है वो पहुंचती है। तो दोस्तों ये मैक्सिमम पॉइंट जो है वो कहाँ आता है, ये यहाँ कहीं 20-40 के बीच में ओजोन कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, 20 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो भैया ये 30-40 के बीच में, क्योंकि 20 से काफी ऊपर है, 30-40 के बीच में जो है ये कॉन्सेंट्रेशन रहता है। तो पृथ्वी की सतह से 30-40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जो है वो मैक्सिमम अपने उसमें रहता है। ठीक है जी, तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है वो नियरेस्ट कौन सा होगा, हमने देखा कि भैया जी 30-40 यानी कि 32 किलोमीटर भी हो सकता है, 38 किलोमीटर भी हो सकता है, 30 किलोमीटर भी हो सकता है। तो सही ऑप्शन जो है वो हमारा 25-30 किलोमीटर, सी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। 15th का ऑप्शन जो है वो सी है। ये आगे के लिए भी याद रखिएगा कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन जो है वो पाई जाती है और 30-40 किलोमीटर या 20-40 किलोमीटर के बीच में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो है ओजोन की जो है वो पाई जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। चलिए दोस्तों 16th क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन वोटेड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमन इन द हिस्ट्री एज पर रीसेंट रीडर्स ऑफ बीबीसी हिस्ट्री मैगजीन पोल। कब की बात है, रीसेंट दोस्तों 2018 में एग्जाम हुआ था, तो रीसेंट 2018 का था। तो बीबीसी हिस्ट्री मैगजीन पोल जो है वो निकलता है 2018 में, उसने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन वोटेड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमन। तो दोस्तों 2018 में मैरी क्यूरी वॉज वोटेड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमन इन हिस्ट्री एज पर द रीडर्स ऑफ बीबीसी हिस्ट्री मैगजीन पोल 2018। तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी द्वारा हिस्ट्री मैगजीन पोल में मैरी क्यूरी जो है, रेडियम का जिन्होंने आविष्कार करा था, नोबेल प्राइज इन्हें मिला था, तो मैरी क्यूरी जो है उन्हें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमन जो है वो माना गया था 2018 में। ये सवाल पूछा गया था तो हमने जो है वो 2018 के हिस्ट्री मैगजीन पोल के हिसाब से आंसर देना था मैरी क्यूरी, तो इसका सही जवाब जो था वो ए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब 2018 में जो, ऐसा तो है नहीं कि एक बार 2018 में मैरी क्यूरी को जो है वो ये अवार्ड मिल गया या ये उनको इन्फ्लुएंशियल वुमेन वोट कर दिया गया तो हमेशा वही रहेगी। हर बार जब ये मैगजीन आएगी तो कुछ नई इंफॉर्मेशन होगी। तो दोस्तों इस बार 2021 में जो इंफॉर्मेशन है 2020 की मैगजीन की, द महाराजा रंजीत सिंह हैज बीन वोटेड द ग्रेटेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री इन अ पोल कंडक्टेड। तो दोस्तों चांसेस है ये सवाल जो है वो आ सकता है, अगर इस एग्जाम में नहीं किसी दूसरे स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी तक में भी ये सवाल जो है शायद पूछा जा सकता है। तो भैया बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन 2020 के अनुसार ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो महाराजा रंजीत सिंह को जो है वो माना गया है। ठीक है जी, आई होप दोस्तों आपको यहां तक चीजें जो है वो क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 17th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड द गोल्डन बॉल अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेयर एट 2018 फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 2018 में हुआ था। ठीक है जी, किसको यहां पर जो है वो गोल्डन बॉल अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेयर जो है वो मिला था दोस्तों 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जो है उसमें लुका मॉड्रिक को गोल्डन बॉल फॉर द बेस्ट प्लेयर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2018 जो है वो मिला था। 2018 में फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था, 4 साल बाद होता है। अगला फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 2022 में होगा। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जो है टुक प्लेस बिटवीन 14 जून टू 15 जुलाई इन रशिया। तो रशिया के अंदर ये हुआ था जून और जुलाई के महीने में। अगला 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है इज शेड्यूल टू हेल्ड फ्रॉम 21 नवंबर टू 18 दिसंबर 2022। 2022 में नवंबर और दिसंबर के महीने में
कतर के अंदर, इन कतर जो है वो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होगा, 2018 का रशिया में हुआ था, एग्जाम के आसपास ये वर्ल्ड कप हुआ था, इसलिए इसमें से सवाल जो है वो पूछा गया था। तो इसका आंसर जो है वो डी है, ल्यूका मॉड्रिक को जो है गोल्डन बॉल अवार्ड फॉर द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन 2018 फीफा वर्ल्ड कप जो है वो प्रदान किया गया था। दोस्तों इससे संबंध में ये पूछा जा सकता है कि अगला फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कहां होगा, तो वो कतर में जो है अगला फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो है वो होने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 18th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following committees has been constituted by Reserve Bank of India to look into bank fraud? तो बैंक फ्रॉड्स के बारे में देखने के लिए, उसकी जानकारी, उसकी छानबीन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा एक कमेटी जो है वो बनाई गई थी। क्या नाम था इस कमेटी का, हमसे पूछा गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 2018 had constituted a new 5-member expert committee under the chairmanship of Y.H. Malegam. तो Y.H. Malegam, a former member of सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है आरबीआई के, उनमें से एक वाईएच मालेगम जो है उनको नियुक्त किया गया था इस कमेटी का एक्सपर्ट। द कमेटी वाज टू लुक इनटू द रीजंस फॉर वाइड डाइवर्जेंस ऑफ बैंक्स इन असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग बैंक्स एंड मेजर्स टू प्रिवेंट फ्रॉड्स। भैया जी, इस कमेटी को ये दायित्व सौंपा गया था कि भैया कारण बता कीजिए क्यों बहुत ज्यादा फ्रॉड जो है वो बैंकिंग में हो रहे हैं और इन फ्रॉड्स को कैसे रोका जा सकता है। तो इस कमेटी को हेड कर रहे थे वाई एच मालेगम। द अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी वर भरत दोषी, एस रमन एंड नंद कुमार सर्वदे, ए के मिश्रा। तो दोस्तों जो बाकी के ऑप्शन है, ए के मिश्रा, नंद कुमार सर्वदे, एस रमन, ये जो थे ये मेंबर्स थे, वेयर एज कमेटी का नाम जो है वो चेयरमैन के नाम पर वाई एच मालेगांव कमेटी जो है वो रखा गया था। तो इसका आंसर जो है वो 18th क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी है। ये दूसरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिजर्व बैंक की वो कमेटी जो बैंकिंग फ्रॉड्स को देखने के लिए बनाई गई थी, उसका नाम था वाई एच मालेगांव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 19th क्वेश्चन की ओर। द प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इन 2018-19 फिस्कल एज पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने 2018-19 में कितनी ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्ट करी थी। तो दोस्तों ये भी अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2018 में आईएमएफ ने जो ग्रोथ प्रोजेक्ट करी थी वो 7.3 थी, यानी बी इसका ऑप्शन है। आईएमएफ ने 7.3% का ग्रोथ रेट जो है वो प्रोजेक्ट किया था इंडियन जीडीपी के लिए। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है तो बड़ी जाहिर सी बात है वो 2021-22 के लिए प्रोजेक्शन जो है वो पूछेगा। तो हिंदुस्तान के लिए आईएमएफ ने जो है वो 12.5% का ग्रोथ रेट जो है वो 21-22 के लिए जो है वो निर्धारित किया है। दोस्तों आप जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और जीडीपी ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था 2020 कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से, जब ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने के लिए संपूर्ण रूप से सभी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। तो उसके बाद आप जानते होंगे वी शेप्ड रिकवरी हुई इकोनॉमी की, और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है, आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 2021-22 में 12.5% का रहने वाला है। द ग्रोथ रेट विल ऑल्सो बी हायर देन चाइना। तो भैया चीन से ज्यादा ग्रोथ होगी इंडियन इकोनॉमी की, ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया की इकोनॉमी का ज्यादा रहेगा चीन की इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से, ऐसा कहना है किसका, इंटरनेशनल मॉनिटरी। हमसे सवाल जो पूछा गया था वो 2018 का ग्रोथ रेट पूछा गया था क्योंकि एग्जाम 2018 में हुआ था, लेकिन 2021-22 का जो ग्रोथ रेट है वो 12.5% रहने का अनुमान इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ द्वारा जो है वो लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 20th क्वेश्चन की ओर। इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय, क्या थी ये इंडियन रिफॉर्म्स? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1817 कलकत्ता बाय केशव चंद्र सेन टू पुट इन टू प्रैक्टिस द आइडियाज दैट ही हैड गॉड ड्यूरिंग हिज विजिट टू ब्रिटेन। तो केशव चंद्र सेन जो है कलकत्ता के रहने वाले थे और वो ब्रिटेन से होकर के आए थे, वहां पर उन्होंने जो चीजें सीखी थी उनको उन्होंने इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन, भारत के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन 1870 में बनाई थी। किसने बनाई थी? केशव चंद्र सेन ने। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड प्रमोट स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं के स्तर को बेहतर बनाने के लिए और बाल विवाह के विरुद्ध लोगों के अंदर एक मानसिकता जो है वो स्थापित करने के लिए इंडियन रिफॉर्म्स, अल्टीमेटली रिफॉर्म्स थे भैया, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट रिफॉर्म था कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, प्रमोट स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं के स्तर को बेहतर बनाना है, रिफॉर्म था। तो इसके लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है 1870 में केशव चंद्र सेन द्वारा बनाई गई थी। सही ऑप्शन इसमें जो है वो ऑप्शन ए है। 20 क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 21वें क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीरो आर। जीरो आर के बारे में बात करते हैं। जीरो आर इज द टाइम बिटवीन द क्वेश्चन आर एंड द बिगिनिंग ऑफ रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस।
The time immediately before the question hour is called 0 hour. The matters of urgent importance are agreed by the chair are taken in 0 hour. दोस्तों आपने जानते होंगे या अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पार्लियामेंट अगर आपने पढ़ा है अपनी लक्ष्मीकांत के अंदर तो वहां पे ये सभी चीजें जो है वो मेंशनड है, क्वेश्चन आर, जीरो आर। तो भैया जी द टाइम इमीडिएटली बिफोर द क्वेश्चन आर इज कॉल्ड एज जीरो आर, क्वेश्चन आर से जस्ट पहले का जो टाइम है उसे जीरो आर जो है वो कहा जाता है। सॉरी माफ कीजिएगा, क्वेश्चन आर को जैसे ही क्वेश्चन आर खत्म होता है उसके बाद जो समय आता है वो जीरो आर जो है वो कहलाता है। द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आर इज कॉल्ड जीरो आर, इट स्टार्ट्स एट अराउंड 12 नून। जीरो आर इज नॉट मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, दोस्तों रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर जीरो आर जो है वो मेंशन नहीं है। कई बार एग्जाम के अंदर ये भी पूछा गया है इस तरीके से, जीरो आर के बारे में स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें एक स्टेटमेंट ये लिखी होती है जीरो आर इज मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ना ही संविधान के अंदर ना रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर जीरो आर का कोई भी मेंशन जो है वो नहीं है। दोस्तों एक बार मैं आपको वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट जो है बता देता हूं, होता क्या है, अ डे इन अ पार्लियामेंट, किस तरीके से संसद के अंदर एक दिन जो है वो शुरू होता है। सुबह 11 बजे शुरुआत होती है, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक क्वेश्चन आर जो है वो होता है, क्वेश्चन आर यानी कि सवाल पूछे जाते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा सवाल जो है वो दो प्रकार के हैं, स्टार्ट क्वेश्चंस और अनस्टार्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आर जो है वो 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक चलता है। 12 बजे के इमीडिएटली बाद एक घंटा 12 से 1 12 noon to 1 PM जो एक घंटा होता है इसे जीरो आर कहा जाता है। दोस्तों 12 बजे को कई बार 12 नून या 00 भी कहा जाता है। तो भैया इस वजह से इमीडिएट पूरे 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक जीरो आर जो है वो चलता है। दोस्तों जीरो आर क्या होता है, क्वेश्चन आर में सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आर में जो सवाल पूछे जाते हैं उनका पहले नोटिस जो है वो देना पड़ता है, यानी कि हाउस को बताना पड़ता है, सदन को बताना पड़ता है, भैया मैं ये सवाल जो है पूछना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, कुछ मैटर एकदम से अर्जेंसी में आ जाते हैं कि आपके पास वक्त नहीं है कि आप 7 दिन का नोटिस दें। अगर आपको आज कोई मैटर इंपॉर्टेंट लगता है, क्वेश्चन आर में उसे पूछना है, तो भैया आज 7 दिन, अगर आप आज भी नोटिस देते हैं तो 7 दिन बाद आपको मौका दिया जाएगा उस सवाल को पूछने का क्वेश्चन आर में। लेकिन जीरो आर जो है उसको इंडिया की एक, जिसको हम कहते हैं ये ट्रेडिशन बनाया गया है, हिंदुस्तान की एक इन्वेंटेड डिवाइस है, इस तरीके से सवाल भी जो है पूछा गया है। जीरो आर हैज बी इज अ इनोवेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, बिल्कुल भैया भारत के संसद के अंदर जीरो आर जो है इसको जो है वो खोजा गया था, इसको इनोवेट किया गया था। जीरो आर जो है वो ऑप्शन देता है कि अगर मैटर बहुत ही अर्जेंट है और आपको लगता है कि 7 दिन का एडवांस नोटिस जो है वो आप नहीं दे सकते हैं तो आप वो क्वेश्चन जो है वो जीरो आर में पूछ सकते हैं। दिस इज एन इनफॉर्मल डिवाइस अवेलेबल टू MPs टू रेज नोटिस, रेज मैटर्स विदाउट एनी नोटिस ऑफ 10 days इन एडवांस। तो 10 दिन का जो समय है वो ना लेते हुए आप एडवांस में सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। दिस इज बिकॉज जनरली मैटर्स आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो दिस मैटर्स कैन नॉट वेट फॉर ए नोटिस पीरियड। भैया आज आपको लगा कि ये समस्या बहुत गंभीर है तो अगर आप 10 दिन वेट करेंगे हो सकता है उस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा समस्याएं क्रिएट हो जाए। ऐसे सिचुएशन में जो क्वेश्चन आर है उससे उसमें सवाल ना पूछ करके सवाल जो है वो जीरो आर में जो है पूछा जाता है। जीरो आर कब शुरू होता है, सदन की कार्रवाई शुरू होते ही क्वेश्चन आर होता है, क्वेश्चन आर के इमीडिएटली बाद जीरो आर जो है वो होता है। अब इसको समझने के बाद हम दोबारा से सारे ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं। जीरो आर इज द टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन आर एंड द बिगिनिंग ऑफ रेगुलर बिजनेस ऑफ हाउस। दोस्तों 12 बजे क्वेश्चन आर खत्म हुआ, ठीक है जी, 2 बजे से 3 बजे जो है, 2 बजे से 6 बजे तक सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होती है, जिसके अंदर जो बिल है उन पे चर्चा होती है, बिल पारित किए जाते हैं, दे आर सब्जेक्टेड टू वोट। 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक जो है रेगुलर बिजनेस ऑफ हाउस चलता है। 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक लंच टाइम होता है, यानी कि क्वेश्चन आर और रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस के बीच में जीरो आर और लंच जो है वो होता है, यानी कि जीरो आर जो है वो क्वेश्चन आर और रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस के बीच में रहता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो कहता है जीरो आर इज द टाइम गैप बिटवीन द एंड ऑफ क्वेश्चन आर एंड द बिगिनिंग ऑफ रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस। द टाइम इमीडिएटली बिफोर द जीरो बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चन आर इज कॉल्ड जीरो आर, कहता है कि भैया क्वेश्चन आर से जस्ट पहले जीरो आर शुरू होता है, ये तो बिल्कुल नहीं है। द मैटर्स ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस आर एज एग्रीड बाय चेयर आर टेकन अपॉन इन जीरो आर, तो भैया जो मुद्दे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको जीरो आर में लिया जाता है। दोस्तों एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, अगर फैक्चुअली देखा जाए तो भैया फर्स्ट स्टेटमेंट भी जो है वो सही नहीं होता। ये कहता है कि रेगुलर बिजनेस आर और क्वेश्चन आर के बीच का जो समय है वो जीरो आर है, whereas रेगुलर बिजनेस और क्वेश्चन आर के बीच में 2 घंटे का समय होता है जिसमें से 1 घंटा जो है वो लंच होता है।
तो कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेटमेंट भी जो है वो फैक्चुअली 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है उसमें अगर थ्री ओनली होता तो शायद मैं उसको पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, अगर थ्री ओनली का ऑप्शन होता तो मैं उसे करेक्ट करता, क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट है वो पूरे तरीके से सही नहीं है। पूरा टाइम जो बीच में क्वेश्चन आर और रेगुलर बिजनेस के बीच में रहता है उसे जीरो आर नहीं कहा जाता, उसमें से एक घंटे को जीरो आर कहा जाता है, बाकी एक घंटा जो है वो लंच टाइम होता है, लेकिन थ्री ओनली का ऑप्शन नहीं है। इसलिए हमारा जो सही आंसर है इसके अंदर वो कौन सा है, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, वन एंड थ्री। भैया जी पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आई होप हमको जीरो आर जो है समझ में आ गया होगा। फिर बता रहा हूं इंडियन इन्वेंशन है, इंडियन इनोवेशन है, एक बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, कोई भी सवाल अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट इंपॉर्टेंस है उसकी तो क्वेश्चन आर के इमीडिएटली बाद 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक जीरो आर में वो सवाल जो है वो पूछा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 22वें क्वेश्चन की ओर। कर्नल एच एस ऑलकॉट वॉज एसोसिएटेड विद एच एस ऑलकॉट, द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय मैडम बेलवेट्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट इन 1875 इन न्यूयॉर्क, द मूवमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड इन इंडिया बाय एनी वेसन। दोस्तों एक मूवमेंट जो है वो न्यूयॉर्क में शुरू किया गया था, उस मूवमेंट को नाम दिया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी, दो लोगों ने मिलकर के बनाया था, मैडम बेलवेट्स्की और कर्नल एच एस ऑलकॉट ने। तो कर्नल एच एस ऑलकॉट जो है, कर्नल एच एस ऑलकॉट इज एसोसिएटेड विद थियोसॉफिकल सोसाइटी, न्यूयॉर्क में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो बनाई गई थी। इंडिया के अंदर अगर इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसी ने प्रमोट किया था तो वो थी एनी बेसेंट। तो हु हैज बीन एसोसिएटेड विद थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया, अगर इस तरीके से सवाल आता है तो एनी बेसेंट जो है उसका सही जवाब होगा। तो भैया 22वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 23rd क्वेश्चन। With reference to legislative procedures in India, consider the following statements. The purpose of a calling attention notice is to conduct discussion of matters of urgent public importance. Answers to starred questions are given in written form by ministers. Clause to clause discussion and voting on amendments take place in the third passage of bill. तीन अलग-अलग चीजों की यहाँ पर बात करी गई है। सबसे पहले आते हैं calling attention notice पर। कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय मेंबर टू कॉल द अटेंशन ऑफ मिनिस्टर्स टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड सीक एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम हिम और हर। कॉलिंग अटेंशन मोशन वो होता है भैया, कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई भी ऐसा इशू जिसपे एक अचानक से कोई मुद्दा जो है वो खड़ा हो गया हो और उस पर बहुत ज्यादा अर्जेंसी हो, पब्लिक इंपॉर्टेंस हो, लोगों के साथ संबंधित हो और इंपॉर्टेंट मुद्दा हो, उस मुद्दे पर जो है वो किसी भी मिनिस्टर को जवाब पाने के लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लाइक दी जीरो आर, इट इज आल्सो एन इंडियन इनोवेशन इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। दोस्तों ये जो है ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के अंतर्गत जीरो आर की तरह एक इंडियन इनोवेशन है। That has been in existence since 1954. 1954 से calling attention motion जो है वो चला आ रहा है। किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है, किसी भी सदस्य को अगर लगता है कि भैया किसी मैटर पर बहुत ज्यादा अर्जेंट डिस्कशन जो है वो होनी चाहिए तो वो calling attention motion जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरो आर की तरह ये भी इंडियन इनोवेशन है, लेकिन अनलाइक जीरो आर इट इज मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। जीरो आर जो है मैंने आपको बताया था वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, लेकिन जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में जो है वो मेंशन है। दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो हो सकता है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन एग्जाम के अंदर ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ये हमें कंफ्यूज करते हैं। जीरो आर जो है इंडियन इनोवेशन है, लेकिन रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स में मेंशन नहीं है। कॉलिंग अटेंशन मोशन अगेन इंडियन इनोवेशन है, लेकिन रूल्स ऑफ प्रोसीजर में जो है वो मेंशन है। तो पहला स्टेटमेंट है द पर्पस ऑफ कॉलिंग अटेंशन नोटिस इज टू कंडक्ट डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ अर्जेंस पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है जी, अब आते हैं स्टार्ड क्वेश्चंस। दोस्तों पार्लियामेंट अगर आपने पढ़ा है तो दो दो प्रकार के सवाल जो है वो होते हैं, स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस। तो भैया जी स्टार्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, स्टार्ड क्वेश्चंस रिक्वायर एन ओरल आंसर, यानी कि और जबानी उसका उत्तर जो है वो दिया जाता है। क्वेश्चन होते हैं जो स्टार्ट क्वेश्चन होगा, कोई भी मेंबर जो है सवाल पूछते हैं तो जो कंसर्न मिनिस्टर है उसको ओरली मुंह जबानी जिसे कहते हैं बोल करके उसका उत्तर जो है वो सदन में देना होता है। दोस्तों अनस्टार्ट क्वेश्चन, दोस्तों एक ऐसा याद रखिएगा कि भैया स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, हम जब पढ़ते हैं कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है उसको स्टार कर देते हैं कि इसको स्टार कर देता हूं ताकि बाद में याद रहे कि ये इंपॉर्टेंट था।
भैया जी जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा उस पर डिस्कशन, क्योंकि भैया डेमोक्रेसी के अंदर डिस्कशन जो है सर्वसहमति सबसे बात करके डिस्कस करके कोई फैसला लिया जाता है, तो जितने भी स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं उनकी डिस्कशन होती है, और डिस्कशन कहाँ होती है, पार्लियामेंट में होती है, और इस वजह से उनके लिए बोल करके डिस्कस या बोल करके उसका उत्तर जो है वो दिया जाता है। स्टार्ट क्वेश्चन रिक्वायर एन ओरल आंसर, अनस्टार्ट क्वेश्चंस रिक्वायर अ रिटन आंसर। तो जो अनस्टार्ट क्वेश्चंस है उनका उत्तर लिखित रूप में जो है वो दिया जाता है, ठीक है जी। दोस्तों 15 डेज प्रायर नोटिस इज टू बी गिवन टू स्पीकर और चेयरमैन टू आस्क क्वेश्चन। मैंने आपको पहले बताया क्वेश्चन आर में अगर सवाल पूछना है तो 10 से 15 दिन का जो नोटिस पीरियड है इसको जो है वो कम या बढ़ाया जा सकता है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नोटिस पीरियड, लेकिन एट प्रेजेंट 15 दिन का नोटिस पीरियड जो है वो देना पड़ता है अगर आपको क्वेश्चन आर में सवाल पूछना है। इस वजह से 0 आर जो है उसको बनाना पड़ा कि 15 दिन अगर कोई मैटर इंपॉर्टेंट है 15 दिन आप वेट नहीं कर सकते। स्टार्ट क्वेश्चन को बोल करके जवाब देना है, अनस्टार्ट क्वेश्चन का लिख करके जवाब देना है। सेकंड ऑप्शन हमारा कहता है आंसर्स टू स्टार्ट क्वेश्चंस आर गिवन इन द रिटन फॉर्म। नहीं भैया, स्टार्ट क्वेश्चन का जवाब बोल करके देना है तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन ऑन वोटिंग एंड अमेंडमेंट टेक प्लेस इन द थर्ड स्टेज ऑफ पैसेज ऑफ। दोस्तों 3 स्टेजेस रहती हैं पैसेज ऑफ बिल की। पहला जो है बिल प्रेजेंट किया जाता है, उसको गैजेट में शामिल किया जाता है, फिर उस पर डिस्कशन होती है, फिर उसके बाद उसको जो है वो क्लॉज बाय क्लॉज जो है वो पढ़ा जाता है। एक बिल के अंदर 2, 4, 5, 10 क्लॉज हो सकते हैं, एक एक करके उन क्लॉजेस को जो है वो डिस्कस किया जाता है और उनको वोट किया जाता है। ये सब कहाँ होता है? ये सब होता है सेकंड स्टेज में। द सेकंड स्टेज कंसिस्ट ऑफ क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन ऑफ बिल, डिस्कशन टेक प्लेस ऑन ईच क्लॉज ऑफ द बिल एंड अमेंडमेंट्स टू द क्लॉज कैन बी मूव्ड एट दिस। किसी भी बिल के सेकंड स्टेज में, पहली स्टेज में वो बिल इंट्रोड्यूस होता है, गेजेट के अंदर उसको शामिल किया जाता है, और उसके बाद सेकंड स्टेज में क्लॉज बाय क्लॉज पॉइंट बाय पॉइंट उस पर डिस्कशन होती है, कोई अमेंडमेंट है वो वहां पे की जाती है और इन अमेंडमेंट्स को जो है वो मूव किया जाता है सेकंड स्टेज के अंदर। मेरा हमारा सवाल जो है वो कहता है क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन एंड वोटिंग ऑफ अमेंडमेंट टेक्स प्लेस इन द थर्ड स्टेज। नहीं भैया, थर्ड स्टेज नहीं, सेकंड स्टेज में होता है, जिस वजह से 3 ऑप्शन जो है वो भी हमारा गलत है। तो सही ऑप्शन होगा इसमें भी ओनली ऑप्शन या ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है जी। आई होप दोस्तों हमको कॉलिंग अटेंशन मोशन, स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चंस और स्टेजेस में, दोस्तों स्टेजेस के बारे में हम आप विस्तार से जरूर पढ़िएगा पार्लियामेंट चैप्टर के अंदर, आपको लक्ष्मीकांत में इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी जो है वो मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर सवाल जो है इसमें से काफी बार पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। According to census of India, which of the following urban agglomerations has the highest population? Urban agglomerations, बड़े शहर, metropolitan शहर जिन्हें कह सकते हैं, तो किस बड़े शहर की सबसे ज्यादा जनसंख्या है? दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, 2011 को जो सेंसस था, 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज कौन सी हैं इंडिया की? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है जी। तो भैया जी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, तो 2011 का सेंसस जो है वो कहता था कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो मुंबई की है, सेकंड नंबर पे दिल्ली की है, तीसरे नंबर पे चेन्नई की है और चौथे नंबर पे कोलकाता की है। यानी हिंदुस्तान में बड़े शहरों में सबसे ज्यादा वो पॉपुलेशन है मुंबई, सेकंड दिल्ली, थर्ड चेन्नई, फोर्थ कोलकाता, बाकी सारी अर्बन एग्लोमरेशन जो है वो इनके बाद आती है। अब क्योंकि ऑप्शंस में हमारे पास में चेन्नई है, तो भैया जब चेन्नई टॉप 4 में आता है और बाकी जो 3 है उनमें से यहां पर कोई भी मेंशन नहीं है, तो सीधी सी बात है करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा ए होगा। चेन्नई जो है वो यहाँ पे बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद में से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो चेन्नई की है, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। अगर हम पहले 4 हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले अर्बन एग्लोमरेशन की बात करें तो 1 मुंबई, 2 दिल्ली, 3 चेन्नई, 4 कलकत्ता या कोलकाता जो है उसको रखा गया है एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया इन 2011। चलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं 4 पार्ट्स में हम जो है वो इस पूरे के पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चंस रहते हैं, फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हम 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस कर रहे हैं। 26 टू 50 क्वेश्चन के पार्ट 2 में रहेंगे, 51 टू 75 क्वेश्चन पार्ट 3 में होंगे और 76 टू 100 क्वेश्चन जो है वो पार्ट 4 में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का 25th क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट कॉन्फर्ड बाय पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 32। The provisions to issue writ is primarily intended to guarantee the right to constitutional remedies to every citizen. There are 6 types of writs. एक एक करके देखते हैं दोस्तों। Writ क्या होता है? Writ jurisdiction के बारे में आपने सुना होगा।
संविधान जो है वो हमको फंडामेंटल राइट्स देता है, मौलिक अधिकार, सभी को वो अधिकार मिलते हैं। और संविधान ये भी कहता है कि भैया हर हिंदुस्तान के नागरिक के ये अधिकार हैं। अगर कभी भी आपको लगता है कि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा, नॉर्मली अपील कैसे होती है, लोअर कोर्ट में पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी या सब डिविजनल लेवल पर होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, फिर डिस्ट्रिक्ट से हायर कोर्ट में जाएगी, हायर कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। लेकिन अगर कभी भी फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट होता है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है वो जा सकता है। ये कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स के केस में, द रिट्स हैव बीन बोरोड फ्रॉम इन इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड। तो जो रिट्स हैं दोस्तों, इस तरह के सवाल भी जो है बहुत बार पूछे जाते हैं, कौन सा जो पार्ट है वो कहां से बोरो किया गया है। तो जो रिट्स का पार्ट है वो इंग्लैंड से बोरो किया गया है, रिट ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो इंडिया से लेकर के आए हैं। द पावर टू इश्यू रिट इज प्राइमरीली अ प्रोविजन टू मेक अवेलेबल द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू एवरी सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, किसी भी तरीके की संविधानिक संशोधन या रेमेडी की अगर हम बात कर रहे हो, तो भैया जी रिट जो है वो हमें अधिकार देती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो सीक कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट अगर हमारा वायलेट होता है तो हम जो है वो रिट जो है वो दाहिर कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। बिल्कुल भैया, आर्टिकल 32 जो है वो हमें एम्पावर करता है कि भैया अगर मेरी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिट जो है वो फाइल कर सकता हूं। द प्रोविजन टू इश्यू रिट इज इंटेंडेड टू गारंटी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही। तीसरा स्टेटमेंट कहता है देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ रिट्स। दोस्तों अगर आपने रिट्स के बारे में पढ़ा है तो पांच प्रकार के रिट्स हैं, हेबियस कॉर्पस, क्यो वारंटो, मैंडामस, सर्शियरारी और प्रोहिबिशन। हेबियस कॉर्पस इसको कहा जाता है टू हैव अ बॉडी, किसी को भी अगर किसी ने इलीगली डिटेन करा है तो उस हेबियस कॉर्पस जो है वो लगाई जाती है। क्यों वारंटो जो है वो लगाई जाती है, जब किसी भी पब्लिक ऑफिस को किसी ने ऑक्यूपाई किया है तो क्या उसके पास उस ऑफिस को ऑक्यूपाई करने की अथॉरिटी है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पूछता है भैया क्यों वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ वारंट। और वारंट मान लीजिए किसी एक पब्लिक ऑफिस में, आपके वहां पे एक पब्लिक ऑफिस है, वहां पे कोई व्यक्ति आकर के बैठ जाता है, बोला मैं भैया इस ऑफिस का हेड हूं, तो ऐसी सिचुएशन में क्यों वारंटो, जैसा कि भैया वो अथॉरिटी को क्वेश्चन करेगा कोर्ट की, भैया इस ऑफिस को तुम होल्ड कर रहे हो किस अथॉरिटी के साथ में। मैंडामस जो है दोस्तों, मैंडामस जो है ये इसका अर्थ होता है आई कमांड, इसमें कोर्ट जो है वो ऑर्डर करता है। मान लीजिए आपके इलाके में म्यूनिसिपैलिटी जो है वो काम नहीं कर रही है, जिस वजह से पूरे शहर में गंदगी फैली हुई है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पे मैंडामस रिट जो है वो दे सकती है कि भैया मैंडामस मतलब आई कमांड, हाई कोर्ट बोलेगा भैया मैं तुम्हें हुक्म देता हूं ये काम जो है वो करो। मेरे सर्शियरारी और प्रोहिबिशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट देता है, ये ऑलवेज गो फ्रॉम हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे सकता है, वेर एज हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सर्शियरारी और प्रोहिबिशन जो है ये रिट्स जो है वो प्रदान करता है। तो पांच प्रकार की रिट्स हैं, इनके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से सवाल जो है वो आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, हैबियस कॉर्पस, क्यो वारंटो, मैंडामस, सर्शियरारी और प्रोहिबिशन। तो भैया जी 25वां हमारा क्वेश्चन कहता था, इसका तीसरा पार्ट कहता था देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ रिट्स, नहीं भैया सिक्स नहीं, पांच प्रकार की रिट्स हैं। तो यहां पे हमारा स्टेटमेंट वन भी सही है, टू भी सही है, तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, बोथ वन एंड टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोस्तों हमने 2018 के प्री के पहले 1 to 25 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे 26 to 50 क्वेश्चन। दोस्तों ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में जो है एग्जाम अप्रोच कर रहा है। एग्जाम को, कोई भी एग्जाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, दोस्तों उस एग्जाम को जो है वो अटेम्प्ट करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पहले किस तरीके से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। इस वजह से ये स्पेशल लेक्चर मैं आपके साथ में ले रहा हूँ। दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन सभी टॉपिक्स की दी है, अगर आप चाहते हैं इन डेप्थ, इन डिटेल, गहराई में जाकर के इन सभी टॉपिक्स को समझना, तो आपके लिए studyiq.com या studyiq के वेबसाइट पर हमारा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम JKPSC के लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है। दोस्तों स्मार्ट कोर्स के साथ में आप जुड़िए और अपनी प्रेपरेशन जो है उसको बहुत बहुत बेहतर बनाइए, आपकी प्रेपरेशन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। जिस तरीके से मैंने यहाँ आपको चीजें एक्सप्लेन करी हैं, उसी तरीके से इन डेप्थ, इन डिटेल जाकर के एक एक पॉइंट जो है
वो हम अच्छे से एग्जाम के अंदर समझ पाएंगे। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, इन कंसेप्ट में से अगर कोई भी सवाल एग्जाम के अंदर आता है तो आप जरूर उसका उत्तर देने में जो है वो सक्षम। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों के साथ ताकि ये वीडियो जो है वो पहुंचे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।